सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का एक और बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। और आज से इस एपिसोड के साथ हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज का नाम है मेड इन इंडिया। और इस सीरीज के माध्यम से हम आपका परिचय उनसे कराएंगे जो भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने में एक बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम आपको भारत की उस कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने बेहतरीन स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्ट्स के साथ न केवल भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने में बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, बल्कि साथ ही साथ डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भी भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दे रही है। और इस कंपनी का नाम है MKU। और इसी के साथ हम आपको ये कहेंगे, नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस एपिसोड में हम आपको केवल नाम नहीं बताने वाले हैं बल्कि ये कंपनी जो बेहतरीन काम कर रही है उसके बारे में जानकारी देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम MKU की मार्केटिंग टीम को धन्यवाद कहना चाहेंगे जिन्होंने इस वीडियो के लिए जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने में हमारी मदद की है। तो चलिए अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। MKU मिलिट्री, पैरामिलिट्री, होमलैंड सिक्योरिटी और स्पेशल फोर्सेस, इन सभी के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस, पर्सनल आर्मर और प्लेटफॉर्म आर्मर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने वाली एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। और इस कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो एक दो नहीं बल्कि 100 से भी अधिक कंट्रीज में है। और इस कंपनी द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले लेटेस्ट आर्मरिंग और ऑप्टिक सॉल्यूशंस चुनौतीपूर्ण स्थिति में हमारे सोल्जर्स के कॉन्फिडेंस को और भी बूस्ट करने में मदद करते हैं। और इस कंपनी का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि जो हमारे वीर बहादुर योद्धा दिन रात इस देश की सुरक्षा में तैनात हैं, तो उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाए जाने के साथ साथ उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करके उनका जो लाइफ रिस्क है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। और अगर बात करें अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस की, तो इस कंपनी को 35 सालों से भी अधिक का एक अच्छा खासा अनुभव प्राप्त है। और इसी अनुभव के साथ MKU ने 100 से भी अधिक देशों में 230 से भी अधिक फोर्सेस का विश्वास हासिल किया है। और अपने इसी निरंतर प्रयास के साथ इस कंपनी ने कस्टमाइज तरीके से एंटी बैलिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने में महारत हासिल की है। और इस कंपनी द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले एंटी बैलिस्टिक सॉल्यूशंस सोल्जर्स को सुरक्षित रखने के साथ साथ उन्हें इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म करने में मदद करते हैं। इस कंपनी की जो शुरुआत है वो श्री GK गुप्ता द्वारा 1985 में की गई थी। और उस समय ये कंपनी इंडियन आर्मी के लिए केवल फाइबर ग्लास हेलमेट्स को ही सप्लाई करती थी। लेकिन जब 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में जो भारत को कैजुअल्टीज का सामना करना पड़ा था, तो उसी से भारतीय रक्षा मंत्रालय को इस बात का एहसास हुआ कि हमें हमारे सोल्जर्स के लिए बैलिस्टिक प्रोटेक्शन की जरूरत है। और इंडियन सोल्जर्स की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए फिर MKU ने लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजीज के साथ बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन मार्केट में भी प्रवेश किया, और जिसमें उन्होंने बॉडी आर्मर और बैलिस्टिक हेलमेट्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया और प्लेटफॉर्म आर्मर को भी शामिल करने के लिए फिर बाद में MKU ने जर्मनी में कंपनी को एक्वायर भी किया। और जबकि सन 2016 से इस कंपनी ने अपने खुद से नाइट विजन और थर्मल इक्विपमेंट के लिए भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को भी विकसित करना स्टार्ट कर दिया है। और जाहिर सी बात है, अगर आपका उद्देश्य है खुद से स्वदेशी तौर पर ही प्रोडक्ट्स को बनाना, तो उसके लिए आपके पास एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। और MKU का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी भारत में अलग अलग जगह पर फैला है, जिसके चलते भारत में इसकी 3 यूनिट है और जर्मनी में 1। और इन सारी यूनिट्स में हर साल 2 लाख से अधिक हेलमेट्स, 1,50,000 बॉडी आर्मर, 3 लाख आर्मर इंसर्ट, 6,000 आर्मर किट, 72,000 स्क्वायर मीटर के आर्मर पैनल्स और 6,000 इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स डिवाइस को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। और MKU कई सालों से हमारी ग्रेट इंडियन आर्मी के लिए अपनी लेटेस्ट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती आ रही है। और क्या आप जानते हैं कि MKU भारत की पहली कंपनी है जिसे पिछले 2 दशकों में 2017 में भारतीय रक्षा मंत्रालय से सबसे बड़ा बैलिस्टिक हेलमेट का ऑर्डर मिला था। और MKU द्वारा सप्लाई किए जाने वाले हेलमेट्स को इस तरीके से डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया जाता है ताकि वो अधिक से अधिक सुरक्षा के साथ साथ जो उसको पहने उसको कंफर्ट भी दे। और MKU का जो मुकुट नाम का बैलिस्टिक हेलमेट है उससे उत्तर प्रदेश फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के मलवन में स्थित MKU की इंटीग्रेटेड फैसिलिटी में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इनके जो बैलिस्टिक हेलमेट्स होते हैं उनमें इनकी ही पेटेंट टेक्नोलॉजी RST यानी कि रिड्यूस्ड हेलमेट ट्रॉमा का इस्तेमाल होता है, जो हेलमेट को बुलेट्स और फ्रेगमेंट से सुरक्षा देने के साथ साथ इसको पहनने वाले सोल्जर के हेड और स्कल के इंजरीज के रिस्क को भी कम करती है। और इतना ही नहीं बल्कि US लेबोरेटरी में कंडक्ट कराए गए टेस्ट के अनुसार MKU हेलमेट्स में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो बिहाइंड आर्मर ब्लंट ट्रॉमा की वजह से उभरने वाली गुम चोट के खतरे को भी किसी स्टैंडर्ड कन्वेंशनल कंपोजिट हेलमेट की तुलना में 40% तक कम करती है। वैसे आपको बता दें कि जो ये बिहाइंड आर्मर ब्लंट ट्रॉमा है ये एक तरह की नॉन पेनिट्रेटिंग इंजरी है, जो खास करके तब होती है जब मान लीजिए आपने कोई आर्मर पहना है और फिर उस पर बुलेट या किसी प्रोजेक्टाइल के इम्पैक्ट से जो वो तेजी से सिकुड़ता है
तो उसके इस तेजी से सिकुड़ने से यानी कि इस रैपिड डिफॉर्मेशन से एक तरह की गुम चोट आने का खतरा रहता है। और आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, मान लीजिए आपने कोई हेलमेट पहना है और वो हेलमेट अचानक से अंदर की तरफ सिकुड़ जाए, तो फिर उसके बाद आपको जिस तरह की इंजरी होगी उसी तरह की इंजरी के खतरे की बात यहाँ पे की गई है। और MKU के हेलमेट इसी खतरे को 40% तक कम करते हैं किसी स्टैंडर्ड कन्वेंशनल कंपोजिट हेलमेट की तुलना में। इसके अलावा MKU हमारे सोल्जर्स के लिए ऐसे कई सारे टेक्निकल डिजाइन और इनोवेशंस को भी ऑफर करती है जो पहले कभी ऑफर नहीं किए गए हैं। जैसे कि MKU के हेलमेट्स में एक ट्विस्ट फिट स्टेबिलिटी हार्नेस वाला फीचर है जो कि अपने तरह का एक नया इनोवेशन है, जो कि एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और कमाल की स्टेबिलिटी देता है, और खास करके तब जब इसे मॉडर्न टैक्टिकल हेडगियर और नाइट विजन डिवाइस के साथ पहना जाए। इसके अलावा कंपनी द्वारा बनाए गए मल्टीपल एक्सेसरी कनेक्टर सिस्टम, इसे शॉर्ट फॉर्म में मैक्स का नाम दिया गया है, इसकी वजह से MKU के जो हेलमेट हैं वो सभी तरह के मॉडर्न हेडगियर और इक्विपमेंट के लिए कंपेटेबल हैं। इसके अलावा अगर बात करें MKU के दूसरे टॉप प्रोडक्ट की तो उसमें आएगा बैलिस्टिक जैकेट। MKU कई अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए कई अलग अलग वैरायटी की बैलिस्टिक जैकेट्स और वेस्ट प्रोवाइड करती है जो सुरक्षा के साथ साथ उसे पहनने वाले सोल्जर के लिए कंफर्टेबल भी होती है। और MKU ने अभी तक 59,000 के आसपास बैलिस्टिक जैकेट्स CRPF को और 26,000 से अधिक बैलिस्टिक जैकेट्स इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड को सप्लाई की हैं। और MKU की ये हाई परफॉर्मेंस बैलिस्टिक जैकेट्स इस तरीके से डिजाइन की गई हैं जिसके चलते ये NIG लेवल 3A तक की प्रोटेक्शन देती हैं। और MKU के इस बैलिस्टिक जैकेट में एक 4-point क्विक रिलीज सिस्टम है जो कि सर्वाइवेबिलिटी को इन्हेंस करता है, और साथ ही साथ जो इसका इंस्टा लोड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो सोल्जर द्वारा कैरी किए जाने वाले वेट को 40% तक कम करता है। इसके बाद अगर बात करें MKU के तीसरे खास प्रोडक्ट की तो उसमें आएगी हार्ड आर्मर प्लेट। ऐसे समय पर जब खतरे का स्तर हैंडगन से बदलकर हैवी टाइप के एम्यूनिशन तक पहुंच जाता है, जैसे कि जब खतरा हो किसी असॉल्ट राइफल की बुलेट से या ऐसे ही किसी एम्यूनिशन से जिसकी पेनिट्रेटिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है और एक नॉर्मल बैलिस्टिक जैकेट या वेस्ट उस एम्यूनिशन या उस बुलेट को नहीं झेल सकती है, तो ऐसे में जरूरत पड़ती है उन बुलेट प्रूफ जैकेट्स और वेस्ट में एक हार्ड आर्मर प्लेट के इस्तेमाल करने की। और MKU की जो हार्ड आर्मर प्लेट है वो कम वजन के साथ एक ऑप्टिमम प्रोटेक्शन देती है, यानी कि ये वजन में हल्की है, एडवांस है और कॉस्ट इफेक्टिव है, और इसे लेटेस्ट हाई परफॉर्मेंस बैलिस्टिक मटेरियल टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि ये आर्मर प्लेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के आधार पर ही अप्रूव्ड है और टेस्टेड है। इसके बाद अगर बात करें MKU के चौथे मेन प्रोडक्ट की तो इसमें आएगा नेट्रो, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन का नाइट विजन और थर्मल सॉल्यूशन है। और MKU के जो नेट्रो डिवाइस हैं, ये खराब से खराब मौसम की स्थिति में भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, और वजन में हल्के होने के साथ साथ इन्हें इस्तेमाल करना भी आसान है। और सर्च एंड रेस्क्यू, पेट्रोलिंग या सर्विलियंस, ऐसे ही किसी भी अन्य टेक्टिकल मिशन के दौरान एक बेहतरीन परफॉर्मेंस को सुनिश्चित करने के लिए MKU ने अपने इस डिवाइस के सेंसर्स, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया है। और ये डिवाइस MKU की ही एक्सटेंसिव R&D और ऑन ग्राउंड टेस्टिंग का परिणाम है। और MKU की नाइट विजन डिवाइसेस भारत में ITBP, CRPF और महाराष्ट्र पुलिस को प्रोवाइड किए गए हैं। और अगर बात करें MKU के पांचवें मेन प्रोडक्ट की तो उसमें आएगा प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शन। MKU केवल सोल्जर्स के लिए ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती है, बल्कि ये हवा, पानी, जमीन तीनों ही तरह के प्लेटफॉर्म्स में आर्मर को इंटीग्रेट करने, उनकी डिजाइनिंग, डेवलपिंग, प्रोटोटाइपिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। और MKU अभी तक 3000 से अधिक प्लेटफॉर्म्स को अपनी आर्मर्ड प्रोडक्शन दे चुकी है, जिसमें फ्रिगेट्स, बोट्स, हेलीकॉप्टर्स और लैंड व्हीकल्स आते हैं। और ये भी बता दें कि वर्तमान समय में MKU भारत की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए भी एक अच्छी खासी एक्सपर्टीज और एक अच्छा खासा अनुभव है। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि MKU अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ न केवल भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है, बल्कि पूरी दुनिया भर में डिफेंस सेक्टर में भारत को एक अलग पहचान दे रही है। और हमें बेहद ही खुशी है कि भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत अब भारत की इन प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को भी एक अलग पहचान मिल रही है। और सबको इस बारे में पता चल रहा है कि भारत के अंदर ही इतना पोटेंशियल भरा हुआ है, जिसके चलते वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब भारत का नाम बिगेस्ट डिफेंस इंपोर्टर की लिस्ट से हटकर बिगेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। बाकी हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपना स्वदेशी लाइक इस वीडियो को जरूर देके जाएं और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि सीरीज के अगले एपिसोड में आप किन के बारे में जानना चाहते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास भी पहुंचे जो अभी भी यही सोचते हैं कि भारत डिफेंस सेक्टर में कुछ नहीं कर सकता है। बाकी कोई भी सुझाव हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह ओपन है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।